नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां पर दो ऑफिसों में ईडी की रेड पड़ी है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के स्कैम से जुड़ी ये रेड मंगलम ट्रेड्स और सिंह ट्रेड्स के ऑफिस में रेड की जा रही है। जांच में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बड़ी खबर नर्मदापुरम से आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। दो ऑफिस बताए जा रहे हैं जहां पर छानबीन की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, ईडी की टीम कब पहुंची और कितने देर से ये कार्रवाई की जा रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। दो ऑफिस बताए जा रहे हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के स्कैम से जुड़ी हुई ये पूरी रेड है और मंगलम ट्रेड्स और सिंह ट्रेड्स के ऑफिस पर टीम पहुंची हुई है। छानबीन की जा रही, दस्तावेज खंगाले जा रहे, साथ ही साथ इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि टीम पहुंची है, कार्रवाई लंबी चलेगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। आज मध्य प्रदेश के 8 से 10 ठिकानों पर रेड मारी है। ये रेड जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर मारी गई है। नर्मदापुरम में भी 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहां ये रेड मारी गई है। ये वो मंगलम फूड है जहां आज ये रेड मारी गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मंगलम फूड में मौजूद है। इसके अलावा ये ईडी की वो गाड़ी है जो यहाँ खड़ी हुई है। इसके अलावा सी ट्रेडर्स है जिस पर रेड मारी गई है। बताया ये जा रहा है कि जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्कैम है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी गई है। हालांकि ईडी के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा एक बड़ा स्कैम है जिसके तार अलग अलग शहरों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजय दुबे, नर्मदापुरम, NDTV। आज चलिए पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय दुबे जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, कितने घंटे तक ये कार्रवाई चली और कार्रवाई के बाद क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, आज सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब ये टीमें अपने अपने जो दबिश देने पहुंची थी। आज अभी देर शाम 5 से 6 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही। हालांकि एक जगह जो है वो टीम अपना दस्तावेज इकट्ठे करके जा चुकी थी और उसके बाद अभी एक जगह मंगलम फूड पर ये कार्रवाई जारी है। एक टीम अभी मौजूद है। नर्मदापुरम जिले की बात करें तो लगभग 2 से 3 जगह ये रेड मारी गई है। पिपरिया और सुहागपुर की भी जानकारी मिल रही है कि सुहागपुर में भी ये रेड मारी गई है। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के से जुड़ा हुआ ये पूरा स्कैम बताया जा रहा है, जिसमें निलंबित रजिस्ट्रार RS राजपूत और तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार के घर सहित ईडी ने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये रेड मारी है। बड़ा स्कैम है जिसके तार पिपरिया और नर्मदापुरम से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 2 से 3 जगह पर ये रेड की गई है, क्या और जगहों के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि ये जो कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद कुछ और ठिकाने जहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी और कार्रवाई कर सकती है? ये एक बड़ा स्कैम था, भोपाल यूनिवर्सिटी का, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्कैम था जिसकी शिकायत फरवरी माह में हुई थी। अब ईडी इस पूरे मामले में दस्तावेज खंगाल रही है। करोड़ों का स्कैम बताया जा रहा है। भोपाल के अलग अलग जगह भी ये आज ईडी ने रेड मारी है। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले में 2 से 3 स्थानों पर ये रेड मारी गई है। अलग अलग शहरों में भी रेड मारने की बात ईडी अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कोई भी अधिकारी कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, लेकिन ऑफ दी कैमरा वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 8 से 10 अलग अलग शहरों में ये रेड मारी गई है और अभी भी कुछ जगह ये रेड जारी है। जी, चलिए, रेड अभी भी की जा रही है, नजरिया बना रखिएगा संजय, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, एक बार फिर से बता दें, नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जाके पर ईडी की टीम रेड मार रही है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है।